रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के हमीर भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने की। इस अवसर पर विपिन परमार का पहुंचने पर स्वागत किया गया। बैठक में डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा, एसपी अजित सेन, विधायक परसर इंद्रदत्त लखनपाल भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी दिनों के लिए रूपरेखा तैयार की गई और समस्याओं पर भी विचार किया गया। प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है और अगर कहीं पर बिना वजह से मरीजों को सुविधा ना देकर रेफर किया जा रहा है तो इसकी सरकार जांच करवाएगी। ये बात हमीरपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कही। उन्होंने कहा कि अगर जानबूझकर सीएचसी पीएचसी से मरीजों को सुविधा ना देकर रेफर किया जा रहा है तो ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के हमीर भवन में विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने की। इस अवसर पर विपिन परमार का पहुंचने पर स्वागत किया गया। बैठक में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, डीसी हरिकेश मीणा, एसपी हमीरपुर अजीत सेन के अलावा जिला के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि जल्द ही हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होगा और काम को जल्द करवाने के लिए सरकार भी गंभीर है। उन्होंने कहा कि अगर सीएचसी पीएचसी में इलाज संभव होने के बावजूद मरीज को रेफर किया जा रहा है ताकि तो इसकी भी जांच की जाएगी। मुख्यतः तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार के विकास के लिए जो अलग अलग विभाग बनाए गए हैं और उन विभागों में चाहे हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट की बात करें या इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग इत्यादि इत्यादि, सोशल जस्टिस, तमाम विभागों की रिव्यू ऐसा लगभग हम यहाँ पर करते हैं। सामाजिक कल्याण अधिकारिता विभाग के माध्यम से जो धनराशि अलग अलग विकास के कार्यों के लिए सरकार के द्वारा भेजी जाती है उसका एक तरह से अवलोकन इस प्रकार की बैठक में होता है और ये अवलोकन का अभिप्राय ये है कि कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ और नहीं हुआ तो क्या कारण। पर मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यहाँ के अधिकारियों ने, अलग अलग विभाग के अधिकारियों ने जिस मद में जितना पैसा आया था उसको यहाँ पर जनहित में विकास के कार्यों पर खर्च किया गया है, ये बताना चाहता हूँ। आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में खुला है, आपको बहुत बहुत बधाई। और जब कोई संस्थान खुलता है तो उसको खोलने के उपरांत कठिनाइयां और अड़चनें मुश्किलें आती हैं, परंतु अड़चनों मुश्किलों के हल करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो आपके ध्यानार्थ यहाँ पर हमारे पास ज़मीन का स्टेटस पूरी तरह से क्लियर है, पैसा हमारे पास है, सीपीडब्ल्यूडी को काम दे दिया गया है, टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरा मेरे भाई ने कहा है कि रेफरल, इसके बारे में सरकार भी गंभीर है और मैं भी गंभीर हूँ। किन कारणों से किस अस्पताल में किस मरीज को रेफर किया जा रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी और ये ऑन रिकॉर्ड होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए संस्थान अगर खुल गए, संस्थानों में डॉक्टर्स हैं, संस्थानों में पैरामेडिकल स्टाफ है, तो जिस बीमारी का इलाज जिस सिविल हॉस्पिटल सीएससी पीएससी में हो सकता है तो उसको क्यों भेजा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज पर अत्यधिक दबाव, फिर खबरें, फिर लोगों की बात, पूछताछ नहीं हो रही, उपचार नहीं हो रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सारी व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज करने के लिए सरकार बिल्कुल गंभीर है।